अस्सलाम वालेकुम नाजीन, हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर नॉन क्रॉस रेफ्रिजरेटर मौजूद है। इसका मॉडल RT38 है और ये ट्विन कूलिंग के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल पे हम पहले भी काम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इसके इन्वर्टर कट एरर के बारे में बताया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप दोबारा दे सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी हम इसके एक नए एरर के बारे में बात करेंगे, जो कि कंप्रेसर एरर है, और आपको दिखाएंगे कि अगर किसी यूनिट का, खसूसन इस मॉडल का कंप्रेसर ख़राब हो तो हम उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंप्रेसर, जो इसका ओरिजिनल कंप्रेसर था वो यहाँ मौजूद है। हम इस कंप्रेसर को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। ये इसका कहते हैं कनेक्टर है, जो आप देख सकते हैं इसका 3-फेज कनेक्टर। ठीक है, हमने इसके डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे और आपको फिर एक नए कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे इस रेफ्रिजरेटर को, ताकि सही से काम कर सके। क्योंकि कंप्रेसर ना चलने की कुछ काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो कंप्रेसर ख़राब है, एक ये वजह जो अभी हम चेक कराएंगे आपको। दूसरी कि यूनिट में गैस नहीं है, या फिर सर्किट का एरर है। तो कभी कभार इसमें फ़र्क करने में मुश्किल हो जाती है कि आपके पास कौन सा एरर है और यूनिट में प्रॉब्लम क्या है। इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि इसका कंप्रेसर ही फॉल्टी है, हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं। हम दोबारा इसके 3-वे कनेक्टर को लगा देंगे इसमें। अब ये प्रॉपर्ली जब दोबारा रिकनेक्ट हो गया है तो हम इसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई ऑन कर दी है, अब हम इसके वापस सर्किट बोर्ड पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके दोनों सर्किट बोर्ड्स में रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, इन्वर्टर में भी, इन्वर्टर कार्ड में भी, और ये मेन पीसी में भी। तो पहले हम इसके इन्वर्टर कार्ड की रेड लाइट की ब्लिंकिंग को काउंट कर लेते हैं कि कितनी दफ़ा ब्लिंक कर रही है। 1, 2, 3, एक दफ़ा और देख लेना। 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका इन्वर्टर कार्ड 3 बार अपनी रेड लाइट को ब्लिंक कर रहा है, और मेन पीसी भी। ये दफा और चेक कर लेना। तो मेन पीसीबी की जो रेड लाइट है वो 10 टाइम्स ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो इन्वर्टर कार्ड की लाइट 3 टाइम्स और मेन पीसीबी की 10 टाइम्स। ये इस बात की कंफर्मेशन करता है कि इसका जो कंप्रेसर है वो ख़राब है। अगर इन्वर्टर कार्ड की लाइट 3 बार ब्लिंक करे और मेन पीसीबी की लाइट 10 बार ब्लिंक करे, तो आप इस बात से श्योर होंगे कि इसका जो इन्वर्टर, इसका जो कंप्रेसर है वो ख़राब है। तो अब हमें इसका कंप्रेसर रिप्लेस करना होगा और उसको एक सही न्यू कंप्रेसर के साथ वापस फिट करना होगा। ये करने से पहले आप ध्यान रखें कि पावर सप्लाई ऑफ है, और उसको आप ऑफ़ करें ताकि कोई भी हादसा पेश ना आ सके। तो दोनों कार्ड में अब लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है, पावर सप्लाई हमने ऑफ़ कर दिया। अब हम दोबारा नीचे आएंगे और इसका कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे। इसका 3-फेज कनेक्टर हमने रिमूव कर दिया, फॉल्टी कंप्रेसर हमने निकाल दिया। और इसमें हमने एक सही कंप्रेसर
सैमसंग का लगा दिया। ध्यान रखें कि इसका थ्री फेस कनेक्टर सही तरीके से कनेक्ट हो, वरना फिर ये काम नहीं करेगा। पावर सप्लाई दोबारा ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि अब ये वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके इन्वर्टर कार्ड की लाइट अब ब्लिंक नहीं कर रही है, वो कंटिन्यूसली जल रही है और मेन पीसीबी की लाइट ऑफ है। ये इस बात की कंफर्मेशन है कि इसका कंप्रेसर अब सही वर्क कर रहा है। और अगर हम इसके सारे डिस्चार्ज और सक्शन पाइप्स कनेक्ट कर देंगे तो ये यूनिट प्रॉपरली वर्क करेगा और कूलिंग सही तरीके से करेगा। इस वीडियो का यही मकसद था कि हम आपको दिखा सकें कि अगर कंप्रेसर एरर है तो आप उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और वाकई आपका कंप्रेसर ख़राब है तो उसको रिप्लेस करके आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और रेफ्रिजरेटर है थोड़े डिफरेंट मॉडल का। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑन है ये, उसकी रेड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। और एक दो और रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर सैमसंग के, जिनको हमने रिपेयर कर दिया है।